ये खेती है हरे धनिया की खेती। इसके बारे में आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं धनिया की खेती करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको खेत की तैयारी धनिया की खेती करने के लिए किस प्रकार करना है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले 2 से 3 कल्टीवेटर के माध्यम से आपको गहरी जुताई आपको करवाना है। इसके बाद दोस्तों उसमें आपको, यदि आप धनिया की खेती कर रहे हो तो 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, यदि हो सके तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको उसमें डलवाना है। दोस्तों इसको डलवाने के बाद आपको रोटावेटर के माध्यम से पूरे खेत में खाद को अच्छे से मिक्स करवा देना है। इसके बाद आपको धनिया की बुआई करना है। दोस्तों धनिया की बुआई करने के लिए आपको 1 एकड़ में, यदि आप गर्मी में खेती कर रहे हो तो 15 से 16 किलोग्राम बीज की आपको धनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, यदि आप बारिश के माह में खेती कर रहे हो तो आपको 12 से 13 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, इसके लिए आपको अच्छी वैरायटियों का चयन करना है। बहुत सारी मार्केट में वैरायटियां आती है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन कर सकते हैं। कुछ वैरायटियां मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ जो अच्छी है, इसके उत्पादन अच्छे देखे हैं और बहुत अच्छे अंकुरण इस समय पर आता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आप अच्छे बीज का आप चुनाव करें जिसका अंकुरण अच्छा है, पत्तियां चौड़ी आए, हरापन अच्छा रहे। तो आपको वैरायटी का विशेष ध्यान देना है, आपको अच्छी वैरायटी का चयन करना है। कुछ वैरायटियां मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों एक वैरायटी आती है नामधारी सीड की, सुरभि के नाम पर आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक वैरायटी इंडो अमेरिकन सीड की आती है, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। तो एक वैरायटी आती है कलश सीड की, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। दोस्तों एक वैरायटी आती है धान्या टाटा की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एक आती है धरती एग्रो की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, बुआई से पहले आपको एक काम जरूर करना है जिससे बहुत अच्छे आपको अंकुरण देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आपको उसमें क्या करना है, हालांकि ये उपचारित बीज आते हैं परंतु हमको फिर से उपचारित इसको करना है। तो दोस्तों इसको उपचारित करने के लिए आपको उसमें लेना है गौचो, एक बायर कंपनी का आता है। दोस्तों ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो इसको लेना है दोस्तों 25 ml, जो आपने धनिया लिए हो 15 किलोग्राम, उसमें 25 ml गौचो लेना है और इसमें 300 से 400 ml आप पानी ऐड कर लें, आवश्यकता के अनुसार आप पानी ऐड कर सकते हो। इसको बढ़िया से मिक्स करवा कर दोस्तों पूरे धनिया में आपको मिक्स करवा देना है। इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक बढ़िया हवा खिलाना है और इसको बढ़िया से दबा को चिपक जाने देना है। इसके बाद आपको बुआई करना है। बुआई दोस्तों किस प्रकार आपको करना है, एक तो आप छिड़काव विधि से कर सकते हो। दोस्तों आजकल दोस्तों सीडलिंग भी इसकी आ गई है, आप सीडलिंग के माध्यम से भी बुआई कर सकते हो। और दोस्तों बारिश में एक बात का ध्यान रखना है, आप बेड विधि से यदि इसकी खेती करते हो तो बारिश में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, आपने बुआई कर दिए, इसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसमें आप जब सिंचाई करो गर्मी के मौसम में, तो आप या तो मिनी स्प्रिंकल की सहायता से सिंचाई करो, दूसरा दोस्तों आप रेन पाइप की सहायता से सिंचाई कर सकते हो, थोड़ी आपको कॉस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो यदि आप इनसे सिंचाई करते हो दोस्तों, एक तो आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तो इससे पौधे में पीलापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई करना है। दोस्तों आपने बुआई कर दिए, बुआई के तुरंत बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको पेंडा मिथाइल 800 ml का 150 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करवा देना है। यदि आप ज्यादा जगह में खेती कर रहे हो तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर आप दवा का उपयोग कर सकते हो। इससे दोस्तों आपके खरपतवार नहीं निकलेंगे, इससे दोस्तों आप की लागत में बचत होगी, क्योंकि दोस्तों यह निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों का नियंत्रण करते हो धनिया में, तो आपको लागत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, इसलिए आप दवा का उपयोग करें। और दोस्तों यदि इसके बाद खरपतवार निकल आते हैं तो उसमें आप टर्गा सुपर का एक स्प्रे करवा सकते हो, 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप डलवा कर स्प्रे करवा दें। जब भी इसका स्प्रे करें टर्गा सुपर का, यदि सक्रिय पत्ती के खरपतवार निकल आए हैं अंकुरण के बाद, तो आप स्प्रे करवा सकते हो टर्गा सुपर का 25 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करवाना है। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी धनिया की फसल 10 से 12 दिन की अंकुरण के बाद हो जाती है, उस समय पर आपको एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक का आपको उपयोग करना है।
हालांकि दोस्तों लोग स्प्रे नहीं करते हैं, फार्मर स्प्रे नहीं करते हैं, परंतु दोस्तों यदि आप इसका उपयोग करोगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसका स्प्रे करें। आपको लेना है रोको, एक फंजीसाइड आता है थायकोनेट मेथाइल, इसका टेक्निकल है, या तो अच्छी कंपनी हो तो आप टेक्निकल ले लें, या फिर मार्केट में रोको मिल जाए तो आप रोको का उपयोग कर लें। 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आपको उपयोग करना है। साथ में इमिडाक्लोरोपिट 17% वाला जो आता है दोस्तों, 10 ml इसके साथ लेना है और एक स्प्रे आपको करवा देना है। इससे दोस्तों कोई भी डंपिंग ऑफ या जड़ गलन की शिकायत पौधे में आ रही है या फिर आने वाली है तो वो रुक जाएगी। इससे तो पौधे में बहुत अच्छा हरापन इससे आएगा, रसूसक कीट जो अटैक करते हैं वो कंट्रोल पर रहेंगे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के धनिया आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद आपको एक खाद का और उपयोग करना है। उसमें लेना है आपको यूरिया 20 से 25 किलोग्राम दोस्तों, एक एकड़ के हिसाब से, के साथ आप एक सीवेड मिक्स करवा सकते हो। इसमें आप सागरी का दानेदार आप मिक्स करवा सकते हो 10 किलोग्राम, दोनों को मिक्स करवाकर यूरिया के साथ आप डलवा दे पूरे खेत में। इससे दोस्तों पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत शानदार आपको उत्पादन मिलेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और सही समय पर यदि फसल आपकी निकल जाती है तो रेट तो बहुत शानदार मिल सकते हैं आपके देखने के लिए। तो यदि इसके रेट अच्छे मिलते हैं तो आपको आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपए एक एकड़ में बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी 60 से 65 दिन में धनिया तैयार हो जाता है, आपका हरा धनिया, आप मार्केट में इसको बेच सकते हो। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें, और देखते रहें नीरज भी खेती। फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे पेज को लाइक करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।